छत्तीसगढ़ में अफसरों, नेताओं और कारोबारियों के यहां 5 दिन से चल रही आयकर विभाग की कार्यवाही लगातार जारी है। सोमवार दोपहर करीब 12 बजे आयकर की टीम ने मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया के भिलाई स्थित बंगले पर पहुंचकर कार्यवाही शुरू कर दी। इससे पहले आयकर की टीम ने 28 फरवरी को छापा मारा था, लेकिन 24 घंटे डेरा जमाए रहने के बाद भी किसी के सामने नहीं आने पर अगले दिन यानी 29 फरवरी के शाम 5 बजे बंगले को सील कर दिया गया था। रविवार रात करीब 8:30 बजे सौम्या चौरसिया अपने बंगले पर पहुंची और टीम को सहयोग देने की बात कही। इससे पहले उनके पति सौरभ मोदी ने दोपहर में मीडिया से बात की थी। इसी बीच सूचना है कि आयकर विभाग के अफसरों ने आबकारी ओएसडी एसपी त्रिपाठी के बंगले से अवैध शराब के खेल को लेकर तमाम दस्तावेज जब्त किए हैं। रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में इनकम टैक्स की कार्यवाही सोमवार को 5वें दिन भी जारी है। वहीं भिलाई के सूर्या रेजिडेंसी स्थित अपने बंगले पर रविवार रात को पहुंची सौम्या चौरसिया ने कहा था कि कार्यवाही करने आई आयकर की टीम ने उनसे संपर्क नहीं किया, उन्हें मीडिया के जरिए इसका पता चला है। वह 27 और 28 फरवरी को अपने ऑफिस में थी। उन्होंने कहा कि रविवार को पति और सीए ने आईटी के अधिकारियों से संपर्क किया था। आयकर के बंगला सील करने के बाद सौम्या चौरसिया के पति सौरभ मोदी ने कहा कि शनिवार सुबह उन्हें कार्यवाही का पता चला था। इसके बाद वह पत्नी की तलाश में रायपुर गए थे। जब पत्नी का पता नहीं चला तो वह रायपुर स्थित गेस्ट हाउस में रुक गए। शनिवार देर रात घर लौटे तो पता चला कि टीम ने घर को सील कर दिया है। 2 दिन तक पत्नी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा था। शनिवार शाम को बातचीत से पता चला कि पत्नी सुरक्षित है, वह लीगल एडवाइस लेने के बाद घर लौटेंगी। आयकर विभाग के छापों में अवैध शराब का खेल का भी पता चला है। बताया जा रहा है कि सबने मिलकर प्राइवेट कंसाइनमेंट के नाम पर अवैध शराब मार्केट में खपाकर शासन को राजस्व की बड़ी क्षति पहुंचाई है। इस खेल का मास्टरमाइंड आबकारी विभाग के ओएसडी एसपी त्रिपाठी को बताया जा रहा है। रायपुर स्थित प्लेसमेंट से जुड़ी समिति एजेंसी विकास अग्रवाल और सिद्धार्थ सिंघानिया के यहां छापा मारने के बाद आयकर के निशाने पर डिस्टिलरी कंपनियों के साथ ट्रांसपोर्ट्स पर आ गए हैं। आयकर ने 27 फरवरी को सुबह छत्तीसगढ़ में अफसरों और नेताओं और कारोबारियों के यहां छापे मारे थे। 13 लोगों के 32 ठिकानों पर छापे मारे गए थे। इनमें रायपुर के मेयर एजाज ढेबर, पूर्व मुख्य सचिव विवेक ठान, आईएएस अनिल टुटेजा, सीए अजय सिंघवानी, होटल कारोबारी गुरुचरण सिंह होरा, मेयर के भाई अनवर ढेबर, डॉक्टर ए फरिश्ता, सीए संजय संचेती और सीए कमलेश जैन के नाम प्रमुख हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।